नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपर फास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। कोरोना महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने की भारत की जमकर तारीफ। कहा, नई दिल्ली को ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान में अहम भूमिका निभानी चाहिए। यूएन चीफ ने भारत की वैक्सीन निर्माण क्षमता की तारीफ की। यूएन चीफ ने कहा, आज यह दुनिया के लिए सबसे बड़ी खाती है। हमें पूरी उम्मीद है कि ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए भारत बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत ने अपने पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन की 55 लाख से ज्यादा डोज गिफ्ट की है। संसद का बजट सत्र हुआ शुरू। बजट सत्र का पहला चरण 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के पहले दिन पढ़ा अभिभाषण। कोरोना महामारी के दौर में हो रहे इस सत्र को उन्होंने बताया महत्वपूर्ण। कहा, नए दशक और नए साल का पहला सत्र है। हम भारत की आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए यह दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। 10 करोड़ के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। करीब 22 लाख संक्रमितों ने गवाई अब तक जान। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास भी जारी। 7 करोड़ 38 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ। 2 करोड़ 59 लाख से ज्यादा एक्टिव केस फिलहाल मौजूद। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख के पार। मृतकों की संख्या पहुंची 1.5 लाख के पार, जबकि 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा हो चुके हैं स्वस्थ। तो वहीं देश भर में अब तक 29,28,000 से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है टीका। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का महासंग्राम जारी। गाजीपुर बॉर्डर बंद तो मुजफ्फरनगर में महापंचायत। टिकेट का रोना बना टर्निंग प्वाइंट। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकेत की भावुक अपील का असर। जाट बेल्ट में किसानों ने किया आरपार की लड़ाई का ऐलान। मुजफ्फरनगर महापंचायत में कई राज्यों के पहुंचे किसान। यूपी के अंबेडकर नगर में महरुआ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 के 2 इनामी बदमाश हुए घायल। सचिन हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं दोनों बदमाश। यूपी के प्रतापगढ़ में बदमाशों ने सराफा व्यापारी को बनाया निशाना। अहमद चौकी क्षेत्र में 30 लाख रुपए की लूट की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। यूपी के सुल्तानपुर में युवक के अपहरण का मामला फर्जी निकला। अपहरण का यह मामला, प्रेमिका को फंसाने के लिए प्रेमी ने ही रची थी साजिश। यूपी के महाराजगंज में बढ़ी सर्दी, जनजीवन प्रभावित। ऑरेंज अलर्ट जारी। एमपी के रायसेन में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। सिलवानी में करीब 3 लाख रुपए का मिलावटी तेल जब्त। दुकान को किया गया सील। एमपी के रायसेन में सटोरियों के होस्ते बुलंद। सट्टेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई। मिलीभगत का लगाया जा रहा आरोप। जयपुर डिस्कॉम के एमडी बने नवीन अरोड़ा। 1 वर्ष के लिए अरोड़ा की हुई नियुक्ति। पूर्व में टेक्निकल डायरेक्टर रहे हैं अरोड़ा। राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बीच जनता को दी बड़ी राहत। सरकार ने पेट्रोल डीजल से 2-2% वैट को हटाया। हालांकि देश में पेट्रोल डीजल का सबसे अधिक वेट राजस्थान में। पेट्रोल 1.75 रुपए और डीजल 1.60 रुपए हुआ सस्ता। अब जयपुर में पेट्रोल 92 और डीजल 84 रुपए प्रति लीटर बिकेगा। प्रदेश में खाद्य विभाग का नवाचार सटर्ड गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत 1,099 लाभार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क कर किया भौतिक सत्यापन। 16 जनवरी को पूरे प्रदेश में करवाया निरीक्षण।
सिकराय की जनता को मिली एक और सौगात। NH21 से सूरजपुरा तक की सड़क का मंत्री ममता भूपेश ने किया शिलान्यास। कहा क्षेत्र के चहुमुखी विकास में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में जहरीली शराब के सेवन से 4 लोगों की मौत, 5 लोग अस्पताल में भर्ती। सारण का खेड़ा गांव की है घटना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यक्त की संवेदना। मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा। तो वहीं मांडलगढ़ थानाधिकारी बीट इंचार्ज और बीट कांस्टेबल सस्पेंड। भीलवाड़ा में हथकड़ शराब पीने से 4 लोगों की मौत का मामला, हरकत में आया आबकारी विभाग। मानपुरा की सभी देशी शराब की दुकानों को किया गया सीज। पुलिस के हत्थे चढ़ा हार्डकोर अपराधी पपला गुर्जर, पपला की महिला मित्र भी गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। पपला को 2 दिन की शिनाख्त परेड पर भेजा, महिला मित्र को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज, 4 जिलों के दौरे पर पीसीसी चीफ डोटासरा, कार्यकर्ता और नेताओं से लेंगे फीडबैक। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है, महंगाई को लेकर भी लिया आड़े हाथ। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में नगरपालिका का रण, मतदान के बाद अब सामने आई गुटबाजी। भाजपा जिलाध्यक्ष पर लगे टिकट वितरण में मनमानी के आरोप। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने साइबर ठगी का किया खुलासा, झारखंड के देवघर से आरोपी को किया गिरफ्तार। 25,000 रुपए की ठगी का है मामला। अलवर में UGPG की सीटें बढ़ाने की मांग, NSUI की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। प्राचार्य को शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिला कोरोना वायरस से हुआ फ्री, देश में 27 कोरोना फ्री जिलों में बनाई अपनी जगह। 12 के अंता पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में की कार्रवाई, 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर के बीचीवाड़ा में अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे में कार चालक की दर्दनाक मौत। परिवार को टुंडियावाड़ा गांव में छोड़कर अहमदाबाद लौट रहा था कार चालक। सूरतगढ़ में सैन्य छावनी में अभ्यास के दौरान हुआ हादसा, टैंक अभ्यास के दौरान पेड़ की शाखा से टकराया जवान, चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। दौसा के महुआ में कोहरे का कहर, NH21 पर पाडली मोड़ पर बस कार सहित कई वाहनों में टक्कर, हादसे में कई यात्री हुए चोटे। अजमेर के देहली गेट के पास मिला एक व्यक्ति का शव, शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। टोंक के निवाई में सड़क सुरक्षा माह को लेकर सुस्त नजर आ रहा परिवहन विभाग, तो वही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कर रहा लोगों को जागरूक। चित्तौड़गढ़ में पंजाब नेशनल बैंक के ATM और बैंक के ताले तोड़ने की कोशिश, विफल होने पर चोरों ने शराब की दुकान को बनाया निशाना, मामले पर की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
जैसलमेर में बच्चों को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल, मौलवी ने बेरहमी से बच्चों की पिटाई, नाचना के सत्यादा गांव का बताया जा रहा है वीडियो। पोखरण में गैस लीकेज होने से लगी आग, एक महिला झुलसी, इलाज जारी, मंगलपुरा मोहल्ले की है घटना। मुंडवा के बांसदा गांव में मिले दर्जन भरत मृत कोहे, आधा दर्जन कोहे मिले घायल अवस्था में, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बांग्लादेश आर्मी के 126 जवानों ने अजमेर में गरीब नवाज की दरगाह पर की जियारत, मजार पर अकीदत के फूल पेश कर मांगी अमन चैन की दुआ। पाली के तखतगढ़ में भाजपा कांग्रेस ने बोर्ड बनाने का किया दावा, निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी बोर्ड बनाने का किया है दावा। भीलवाड़ा नगर परिषद चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद बाराबंदी, कांग्रेस भाजपा को भीतरघात का सता रहा डर, पार्षद प्रत्याशियों की बाराबंदी की गई। रानीवाड़ा की जसवंतपुरा पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक, विधायक और विकास अधिकारी के बीच हुआ विवाद, विधायक और प्रधान ने किया धरना प्रदर्शन। राजसमंद के देवगढ़ में विद्युत विभाग की कार्रवाई, पुलिस क्वार्टर सहित एक दर्जन जगहों के काटे बिजली के कनेक्शन। भरतपुर के बयाना में लेखक अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न, शैलेश शर्मा बने अध्यक्ष, दिनेश चंद शर्मा संरक्षक। धौलपुर जिले में पिछले 20 दिनों से सर्दी का सितम जारी, शुक्रवार को घने कोहरे ने दी दस्तक, सर्दी से लोगों को घरों में कैद रहने को किया मजबूर। भरतपुर के बयाना में चोरों के हौसले बुलंद, ज्वेलरी की दुकान को बनाया निशाना, सोने चांदी के जेवरात और करीब 5 लाख की नकदी लेकर फरार। अलवर के भिवाड़ी में नगर परिषद की कार्रवाई, मॉल की हुई कुर्की, मॉल प्रबंधन का बकाया था 78 लाख का यूडी टैक्स। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।